वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग वाले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट वाले चैप्टर को शुरू करेंगे और इसमें हम सबसे पहली चीज़ जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके कन्वीनियंस के लिए मैंने अपने सारे नोट्स जो हैं वो मैंने अपने एक फोल्डर बना के उसमें डाल दिए हैं जो आप मेरे मेम्बरशिप के थ्रू ले सकते हैं इसमें आपको कम्युनिकेशन के एथिक्स के फाइनेंस के एच के मार्केटिंग के लीडरशिप मोटिवेशन जनरल मैनेजमेंट सब सबके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी लेक्चर्स मैं पोस्ट करता हूँ उन सबके पी डी एफ को यहाँ पोस्ट करता हूँ प्लस बहुत सारे एडिशनल पी डी एफ भी यहाँ पे डालता रहता हूँ प्लस मैं अपने मेम्बर्स के लिए उनके रिक्वेस्ट पर भी नोट्स बना के उनको दे देता हूँ तो अगर आप ये चाहते हो एक्सेस करना तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा आप वहाँ से ले सकते हो अभी लेक्चर को इंजॉय करते हैं तो बिगिन। तो जब हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अब कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होता है जो बी टू सी मार्केट में काम हो, में होता है जो बी टू सी मार्केट में यूज होता है ऑन द अदर साइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होते हैं जो बी टू बी मार्केट में यूज होते हैं तो बी टू बी और बी टू सी का क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर जहां पर प्रोडक्ट कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और वो कंज्यूमर को जाता है और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है ऑन द अदर साइड बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस कोई कंपनी को, कोई कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो किसी और कंपनी को जाता है और फिर वो कंपनी उसको फर्दर प्रोसेस करके आगे उसको मार्केट में भेजती है फॉर बी टू सी वी कैन टेक अप एनी एग्जाम्पल लाइक एफ एम सी जी प्रोडक्ट जो भी आप सोप आप शैम्पू कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो कोई कंपनी बनाती है और फिर उसको रिटेल स्टोर में भेज देती है और फिर उस रिटेल स्टोर से कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीद लेता है नाउ दैट्स क्लासिक केस ऑफ बी टू सी ऑन द अदर साइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कंपनी है जो रॉ कॉटन कॉटन को प्रोसेस करती है और फिर कॉटन को आगे

We we have have supplies and we have services. तो so, industrial product को इस week में हम नहीं कवर कर रहे हैं। हम इसको किसी bonus session में कवर कर लेंगे यहाँ पर जो main हमारा focus होगा that will be on consumer product. will be focusing on B2C market. सी मार्केट तो take टेकअप ऑल दीज प्रोडक्ट वन बाय वन सभी जितने भी ये टाइप्स हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के इन सबको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड कन्वीनियंस 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 प्रोडक्ट 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 तो क्या है product वो product है वो जो कंज्यूमर को बहुत आसानी से मिल जाए और वो उसके डे टू डे यूज का प्रोडक्ट है सिंपल डे टू डे यूज जो हमारे हर दिन चर्ये में यूज होने वाला प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस प्रोडक्ट का पार्ट होता है इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं जैसे इट इज अ लो प्राइस प्रोडक्ट ऑब्बियसली जो हमारे जनरली यूज में प्रोडक्ट आता है वो कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं होता इट इज अ लो प्राइस प्रोडक्ट कन्वीनियंस है तो obviously इस के लिए availability बहुत important है. तो ये बहुत अवेलेबल होता है consumer के आपको टू किलोमीटर के रेंज में ये प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा देन कंज्यूमर बाइट वेरी फ्रीक्वेंटली कंज्यूमर लगातार इन प्रोडक्ट्स को खरीदता रहता है बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदता रहता है और अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर इसको आपको समझा दूं आप एक सोप को ले लें अगर आप देखें तो सोप क्या है एक लो प्राइस प्रोडक्ट है कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है सेकंड इट इज इजीली अवेलेबल हर किराने के दुकान में हर आपके आसपास के दुकानों में आपको सोप मिल जाता है देन द थर्ड थिंग इज द कंज्यूमर बाय इट फ्रीक्वेंटली हर दो महीने एक महीने के बाद आपको ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है देन विदाउट एनी प्लानिंग एंड एस सच सर्च एफर्ट हम बहुत ज्यादा प्लानिंग इसके लिए नहीं करते जैसे ही हमारा वो प्रोडक्ट खत्म होता है फॉर एग्जाम्पल सोप हमारे घर में खत्म हुआ हम इमीडिएटली जाके उसको खरीद कर ले आते हैं तो ना तो बहुत ज्यादा हम सर्च में एफर्ट लगाते हैं और ना

थ्रू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू एवरी रिटेल आउटलेट जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया ये प्रोडक्ट बिकेगा ही तब जब वो आपके नियरेस्ट स्टोर में मिलेगा तो जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट स्टोर में मिल जा, मिलने लग जाता है ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं चाहे वो सोप है चाहे वो कोई हेयर ऑयल है चाहे वो टूथपेस्ट है चाहे वो शैंपू है इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अगर वो आपके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है तो मोस्ट प्राइवली वो नहीं बिकेगा तो मार्केटर का जो मेन फोकस होता है कन्विंस प्रोडक्ट के केस में वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रॉन्ग बना है कि हम हर रिटेल आउटलेट तक पहुंच सके चाहे हम किसी गांव की बात करें चाहे हम किसी शहर की बात करें हर गांव गांव में जाकर आप देखोगे बड़ा सा बड़ा, बड़ा ब्रांड आपको वहां उस रिटेल आउटलेट्स में मिल जाता इंक्लूड एफ एम सी जी प्रोडक्ट जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस कैटेगरी में क्या क्या आता है तो एफ एम सी जी प्रोडक्ट आता है लाइक सोप टूथपेस्ट डिटर्जेंट फूड आइटम्स राइस व्हीट फ्लोर सॉल्ट जो हमारे घर में डेली यूज होता है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट

रेगुलरली इसको परचेज करने की जरूरत नहीं होती कंज्यूमर स्पेंड्स मच टाइम एंड एफर्ट इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड परचेजेस द प्रोडक्ट आफ्टर द केयरफुल कंसिड्रेशन ऑफ प्राइस क्वालिटी फीचर स्टाइल एंड सस्टेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको बताया था वहां मिनिमम एफर्ट है उतना ज्यादा आप कंपेयर नहीं करते उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाते बट यहाँ पर उल्टा है यहाँ पर कंज्यूमर काफी टाइम लगाता है काफी एफर्ट्स लगाता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है एंड देन ही डिसाइड विच प्रोडक्ट टू बाय और उसमें प्रोडक्ट को खरीदते समय उसके प्राइस को उसके क्वालिटी को उसके फीचर्स को उसके स्टाइल को हर चीज को कंपेयर करके देखता है कि वो प्रोडक्ट और उससे बेटर उसको कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल लुक है टेलीविजन लुक है एयर कंडीशनर्स लुकैट कार लुक एट फर्नीचर ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो काफी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स हैं और हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जिसमें कंज्यूमर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट को खरीदता है फॉर एग्जाम्पल अगर टीवी खरीदा जा रहा है तो आप देखोगे एक घर के अंदर टीवी को खरीदने में हर आदमी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है कि हमें कौन सा ब्रांड लेना चाहिए क्या साइज लेना चाहिए कौन से कलर में लें कहाँ पर लगाएं ये सारी डिसीजन पूरे फैमिली के तरफ से आपको देखने को मिलता है तो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं बहुत ज्यादा क्वालिटी ब्रांड इन चीजों को कंसिडर करते हैं बिफोर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स देन द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज द स्पेशलिटी प्रोडक्ट हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर हाई प्राइस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ यूनिक फीचर्स एंड कस्टमर आर कन्विंस्ड दैट दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू ऑल अदर कंपीटिंग ब्रांड्स यहां पे तीन चार चीजों के बारे में आपको बताता हूँ स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब स्पेशल प्रोडक्ट ऐसी चीज जो स्पेशल है स्पेशल का मतलब हाई प्राइस है पहली चीज बहुत ब्रांडेड है सेकेंड थिंग इसमें कोई यूनिक फीचर्स है जिसको कस्टमर बहुत ज्यादा पसंद करता है और कस्टमर पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि ये प्रोडक्ट बाकी किसी भी कंपीटिंग ब्रांड से बेटर है और अच्छा है ये सारी चीजें आपको स्पेशल गुड्स में मिल जाती हैं अभी एग्जांपल आएगा आपको समझ में आ जाएगा कस्टमर्स आर रेडी टू पे अ वेरी हाई प्राइस विदाउट इवन थिंकिंग टू मच कंज्यूमर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाता है बिना कुछ सोचे हुए बिना कुछ ज्यादा कंपेयर किए हुए वो एक तरह के कल्ट फॉलोइंग है उसके कि मुझे ये प्रोडक्ट ही लेना है दीज गुड्स आर नॉट परचेज फ्रीक्वेंटली ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं खरीदा जाता मे बी वंस और ट्वाइस इन द होल लाइफ टाइम आपकी पूरी जिंदगी में आप कभी एक या दो बार इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वन ऑफ देयर फ्लू एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स और चूंकि प्रोडक्ट इतना स्पेशल है इसीलिए वो अपने ही एक्सक्लूसिव स्टोर्स या अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट से बिकता है हर दुकान पर आप उस प्रोडक्ट को नहीं पाएंगे तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एग्जाम्पल जैसे आपकी मर्सडीज कार हो गई आपका रॉयल इनफील्ड बुलेट हो गया आपके एप्पल के आईफोन्स हो गए अब रॉयल इनफील्ड की मैं बात करूंगा रॉयल इनफील्ड बहुत क्लास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पेशलिटी

अचानक ही हमें वो प्रोडक्ट दिखता है और हमें अंदर से अर्ज होती है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको एकदम इंपल्सिवनेस होती है इंपल्सिवनेस इज लाइक एन अर्ज टू बाय समथिंग कंज्यूमर सडनली फील्स एन अर्ज ऑफ बाइंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को बहुत दिन से ढूंढ रहा था वो उसको मिल नहीं रहा था अचानक वो किसी स्टोर में गया उसको वो प्रोडक्ट दिख जाता है तो वो बहुत इंपल्सिव हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आप कई बार ऐसा भी देखते हैं कि आप प्रोडक्ट को लेने गए मार्केट में और आपको अचानक आप जिस प्रोडक्ट को लेने गए थे उस पर कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा बट किसी और प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको इंपल्सिवनेस होने लग जाती है कि हमें ये डील मिल रही है अभी मिल रही है हमें ले लेना चाहिए तो इस तरह का एक अर्ज आपको अपने अंदर नजर आ है कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैगजीन्स डिस्प्लेड एट द काउंटर हम सब रेलवे स्टेशन से क्रॉस करते हैं एयरपोर्ट से क्रॉस करते हैं आप देखते हैं वहां पे बहुत सारे मैगजीन स्टोर्स होते हैं बुक स्टोर्स होती हैं जहां पर बुक्स डिस्प्लेड होती है और बहुत सारे लोग वहां पर जब भी उनका वेटिंग टाइम होता है वहां खड़े होकर उस प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं और अचानक ही वो प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं मतलब सच उस प्रोडक्ट की उतनी नीड नहीं थी बट आपने प्रोडक्ट को देखा आपको अच्छा लगा आपको इंपल्सिवनेस हुई आपने खरीद लिया नेक्स्ट इज योर गिफ्ट गिफ्ट आइटम्स आइटम्स के साथ भी बहुत होता है हम किसी गिफ्ट स्टोर में जाते हैं या किसी भी जगह पर हम गए हैं वहां कोई गिफ्ट स्टोर है अगर तो अचानक आपको गिफ्ट अगर नजर आ जाता है तो आप उसी समय नीड रियलाइज होती है कि हाँ यार ये गिफ्ट तो अच्छा है मुझे उसके लिए लेना चाहिए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है काफी इंपल्सिव बना देती है आपको

आपको रेयरली कोई मिलेगा जो मेडिसिन कर रहा हो मार्केट में आपको 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 जिस प्राइस प्राइस पे पे मिलता है है आप उसी प्राइस पे ले लेते हैं बिकॉज उसकी जरूरत है, आपको उसकी अर्जेंसी में जरूरत है और बहुत कंपेलिंग नीड है आपके सामने जिसके सामने आप ना तो प्राइस कंपेयर कर रहे हैं ना क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन लिखता है और हम दुकानदार हमें कहता है कि ये मेडिसिन नहीं है बट सेम सॉल्ट मैं किसी और ब्रांड में दे दूंगा लेकिन आप नहीं मानते आप कहते हैं जो डॉक्टर ने लिखा है हमें वही चाहिए रियली so इंपॉर्टेंट really आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आप ये देख रहे हैं कि इमरजेंसी इतनी ज्यादा है कि आप एक, एक इंच भी हिलने को तैयार नहीं है आपके लिए वही प्रोडक्ट मतलब वही प्रोडक्ट कंज्यूमर हैज नो चॉइस बट टू बाय द प्रोडक्ट जैसा मैंने आपसे कहा कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में आपको नहीं मिल रही होती तो जब आपको वो मिलती है और जितने भी प्राइस पर मिलती है आपको खरीदना पड़ता है इसका कुछ एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन सो वी हैव अम्ब्रेला एंड अगर बाहर बारिश हो रही है और अगर आपको आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो इमरजेंसी में आपको वो अम्ब्रेला खरीदना पड़ेगा मेरे साथ एक बार कई बार मोबाइल चार्जर्स के साथ हुआ है कि मैंने मोबाइल लेकर चला गया चार्जर भूल गया ट्रैवल करने के बाद मुझे लगा कि यार चार्जर तो रह गया अब मुझे तो इमरजेंसी है मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं चलना तो वट आई एव डन मैंने चार्जर खरीद लिया तो मेरे पास एक मेरे ही मोबाइल के तीन चार्जर हो गए सिर्फ इसी वजह से इमरजेंसी की वजह से देन यू हैव पेन रिलीव आप मूव देखो आप रिंग गार्ड देखो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट ये सारे इमरजेंसी अगर आपको पेन है तो आप मूव लोगे ही लोगे आप बायोडेक्स लोगे ही लोगे अगर आपके सर में पेन हो रहा है तो अमृत खरीदोगे ही खरीदोगे अगर आपको कहीं खुजली हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं रिंग गार्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में मार्केटर को भी पता है कि नीड है तो आप लोग लेंगे लोग इनो को देखें इनो एक बहुत इमरजेंसी प्रोडक्ट है लोग इनो पक्का लेते हैं अगर उनको किसी भी तरह का इंडाइजेशन फील हो रहा होता है कस्टमर डज नॉट हैव मच टाइम टू बॉदर अबाउट प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी कहा ना तो कस्टमर यहाँ कंपेयर करता है ना तो कस्टमर यहां पर बहुत ज्यादा बॉदर करता है प्राइस को लेकर जो ब्रांड्स उसके दिमाग में टॉप लिस्ट में चल रहा है कि ये ब्रांड मुझे लेना है फॉर एग्जाम्पल फॉर पेन रिलेवर मूव एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और हर आदमी मूव लेता है वो लेता है इस तरह के कुछ ब्रांड्स है जो टॉप लिस्ट में आते हैं तो कंज्यूमर खरीदता ही खरीदता है तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कंपेरिजन नहीं होता बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होती कंज्यूमर इमरजेंसी में आता है उस प्रोडक्ट को जितने भी प्राइस पर वो मिलता है वो लेके जाता है नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज अनसॉर्ट प्रोडक्ट तो आप अनसॉर्ट के बारे में बात करते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर आई दर डज नॉट थिंक ऑफ माइंड इट कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसके बारे में या तो हमें पता ही नहीं होता फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता ही नहीं है इसलिए नहीं खरीदते हैं या कई बार हमें पता होता है लेकिन हमें बहुत ज्यादा उसकी एक्साइटमेंट नहीं होती बाय करने के लिए अब म्यूचुअल फंड को खरीदते समय कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता इंश्योरेंस को खरीदते समय एक्साइटेड नहीं होता इंसाइक् को खरीदते समय एक्साइटेड नहीं होता ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में कंज्यूमर उसके इंपॉर्टेंस को या तो समझता नहीं है अगर समझ भी लेता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील नहीं करता इन सच सिचुएशन द मार्केटर अंडरटेक एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स पर्सनल सेलिंग एंड अदर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑब्वियसली कंज्यूमर अब यहां पर क्या होगा पुल तो है नहीं अनसॉर्ट प्रोडक्ट के लिए कभी पुल पुल नहीं होता pull का मतलब क्या है कि कंज्यूमर कभी भी मार्केट में आकर नहीं कहता कि मुझे ये चीज खरीदनी है तो आप क्या करते हो आप पुश करना शुरू कर देते हो और पुश कैसे हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स करो आप बहुत ज्यादा पर्सनल सेलिंग करो सेल्समैन लगाओ लोगों के घर भेजो लोगों को पोक करो फोन करो कॉल करो बहुत सारा मार्केटिंग एफर्ट लगाओ ताकि कंज्यूमर मजबूर हो जाए या उसको प्रोडक्ट समझ में आ जाए तो खरीद लेगा या फिर वो आपसे के खरीद लेगा ये भी होता है या कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इतनी बार आप किसी को फोन करते हो कि सामने वाला उसकी नीड रियलाइज करने लग जाता है प्रोडक्ट रिमेन्स अनशॉर्ट अंटिल द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर अबाउटीजमेंट मैंने आपसे पहले भी कहा जब एडवर्टीजमेंट आप बार बार किसी चीज की दिखाते हो तो कंज्यूमर को ऐसा लगने लग जाता है इस प्रोडक्ट की नीड है हमें और जब उसको वो नीड मिल जाती है तो वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट नहीं रहता तो अनसॉर्ट वो तब तक है जब तक उसको कस्टमर को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है या कंज्यूमर उसके लिए एक्साइटेड नहीं है प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट वैरी प्राइस वैरी करता है ऑब्वियसली प्राइस डिपेंड करेगा अबाउट द फीचर्स फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्लासिक एग्जाम्पल इज इंश्योरेंस ब्लड डोनेशन स्टेम सेल बैंकिंग आई होप कि आपको स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में पता होगा अगर नहीं पता तो मैं किसी मार्केटिंग इन में किसी वीक में आपको स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत ही बड़ी मार्केट है जो डेवलप हो रही है सो आई होप द होल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज क्लियर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट सेशन